हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। हेलो, फिर लेकर आ गई एक और नई रेसिपी। आज लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो दलिया है और बहुत ही सब्जियों के साथ में बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, चलिए इसको अब बनाते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल लिया है, इसमें डाल दूँगी जीरा। जीरा हमारा चटक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च। आप हरी मिर्च हमारा पक गया है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज जो मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, हल्का ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम, देखिए हमारा प्याज हल्का सा भून चुका है। इसमें हम डालेंगे गोभी, गोभी को हम भून लेंगे थोड़ी देर, जिससे हमारा गोभी का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। देखिए हमारा गोभी भून चुका है। इसमें डालेंगे ढेर सारा मटर, जो आजकल सर्दियों में मटर मिल रहा है, बहुत ही फ्रेश मटर है। देखिए हमारा मटर भून चुका है। इसमें हम डालेंगे टमाटर, मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए थे। अब इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए हमारा टमाटर हल्का सॉफ्ट हो गया है। इसमें डालूंगी हम दलिया, ये मेरा 150 ग्राम दलिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। कुछ देर भूनने के बाद देखिए हमारा दलिया भी भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच मसाला और हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है दलिया और बहुत ही हेल्दी होता है। हमें तो दलिया खाना ही चाहिए, नाश्ता में खाओ दलिया तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। जितना दलिया हमारा, जब तक हमारा पक ना जाए तो पानी डालें अपने। देखिए मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी डाला है। अब इसको ढक दूंगी, जब तक हमारा दलिया पक नहीं जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। मेरा 20 से 25 मिनट लगा था फ्रेंड्स दलिया पकाने में, और बिल्कुल ही पक के तैयार हो गया था। देखिए हमारा दलिया बन के हो गया है रेडी, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारा सब्जियों के साथ, और खाने में भी मत पूछो इतना टेस्टी बना था। आप एक बार ऐसे ज़रूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा दलिया बन के हो गया है रेडी, कितना अच्छा लग रहा है बहुत सारी सब्जियों के साथ।